कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में बुआ का किरदार निभाने वाली उपासना सिंह इन दिनों मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू से थोड़ी नाराज हैं। उपासना सिंह ने चंडीगढ़ जिला अदालत में हरनाज के खिलाफ केस दायर किया है। उपासना सिंह ने अपने केस में हरनाज के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन और नुकसान के हर जाने का दावा करते हुए ये याचिका दायर की है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। हरनाज संधू पर आक्रोश, उपासना सिंह ने किया केस। मिस यूनिवर्स पर उपासना ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। जी हाँ, मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू कानूनी पचड़ों में फंसती दिख रही हैं। दरअसल हाल ही में कपिल शर्मा के शो में बुआ का किरदार निभाने वाली उपासना सिंह ने मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में केस दायर किया है। उपासना सिंह ने अपने केस में मिस यूनिवर्स के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन और नुकसान के हर जाने का दावा करते हुए ये याचिका दायर की है। बता दें कि उपासना सिंह पंजाब की बेहद मशहूर अभिनेत्री है। पंजाब इंडस्ट्री ने उन्हें उतना ही प्यार दिया है जितना उन्होंने बॉलीवुड में कमाया है। इसके साथ ही उपासना पंजाबी फिल्मों में काम करने के अलावा पंजाबी फिल्में प्रोड्यूस करती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पंजाबी फिल्म बाई जी कुटांगे प्रोड्यूस की है। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर हरनाज संधू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन अब हरनाज ने बात करना ही बंद कर दिया है। वो उपासना के फोन तक नहीं उठाती और ना ही किसी मेल और मैसेज का जवाब दे रही है। इस बारे में बात करते हुए उपासना सिंह ने कहा है कि हरनाज संधू ने साल 2020 में फेमिना मिस इंडिया पंजाब का खिताब जीता था। तभी हरनाज ने उपासना सिंह के संतोष एंटरटेनमेंट स्टूडियो LLP के साथ एक आर्टिस्ट एग्रीमेंट साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फिल्म बाईजी कुटोंगे में हरनाज को लीड रोल दिया गया था। एग्रीमेंट के तहत हरनाज को फिल्म के प्रमोशन के लिए फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरह से शामिल होना था, लेकिन 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद हरनाज संधू ने एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा नहीं किया। उपासना सिंह का कहना है कि मिस यूनिवर्स बनने के बाद हरनाज संधू अपने आप को बड़ी स्टार समझने लगी है। मिस यूनिवर्स बनने के बाद हरनाज संधू को पंजाबी इंडस्ट्री छोटी लगने लग गई है। उसे लगता है कि वो सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के लिए बनी है। हरनाज को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कहां से आई है। उसे पंजाबी फिल्मों का हिस्सा बनकर गर्व महसूस होना चाहिए। हरनाज ने उनकी फिल्म का एक पोस्ट भी नहीं डाला, वहीं उसे पब्लिकली फिल्म के बारे में बात करने से भी मना कर दिया। यहाँ तक कि हरनाज संधू ने उपासना से कोई बात भी नहीं की, ना उनके फोन कॉल्स उठाए, जिसकी वजह से उपासना को नुकसान हुआ है। उपासना के मुताबिक उन्होंने इस फिल्म पर एक बड़ी राशि खर्च की है। ये छोटे बजट की फिल्म नहीं है। वहीं हरनाज की वजह से उन्हें फिल्म की रिलीज डेट भी बदलनी पड़ी। पहले फिल्म को 27 मई 2022 में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब 19 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है। फिल्म की रिलीज डेट टालने की वजह से उन्हें कई तरह के सवालों का जवाब देने पड़ रहे हैं। फिलहाल तो उपासना सिंह के आरोपों पर हरनाज संधू ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि हरनाज ने दिसंबर 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली पहली भारतीय बनी। उनके बाद लारा दत्ता 2000 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।